सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो जो बीएससी एमएससी में जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं उनके जो वाइवा होते हैं, ठीक है, तो उनके में जो अक्सर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके बार बार रिपीट होते रहते हैं, इन्हीं के बारे में आपके एग्जाम में और जो प्रैक्टिकल के वाइवा होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो जनरल जो क्वेश्चन हैं जो अक्सर जो है प्रैक्टिकल एग्जाम के वाइवा में पूछे जाते हैं उन्हीं को आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। या सभी बीएससी एमएससी या जो भी थ्योरी बेस्ड एग्जाम है उनके प्रैक्टिकल होते हैं जिनके, है ना, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आप जो इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें भी अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और ये सभी विषय के लिए कॉमन है, है ना, आपको जो है इतनी जानकारी होना अति आवश्यक है। चलिए तो देख रहे हैं, जैसे प्रयोगात्मक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न, है ना, तो अक्सर जो है पहली बार पहला प्रश्न क्या होता है आपका, पहला प्रश्न है अपना परिचय दीजिए। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि आप पहले अपना परिचय दीजिए, तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, जैसे मेरा नाम मुरली मनोहर, उसके बाद अपने पिताजी का नाम बताएंगे, मेरे पिताजी का नाम श्री जयवीर सिंह, या फिर उसके बाद जो है अपने जो आपके पिताजी के कहाँ के रहने वाले हैं वह बताएंगे, जैसे मैं सुखावाद का रहने वाला हूँ तो सुखावाद, उसके बाद जो है आपके पिताजी क्या करते हैं, क्या पैसा है, मान ली आप तो स्टूडेंट हैं तो आपके पिताजी का जो पैसा होगा वही पैसा बताना है आपको, जैसे नाम, पिता का नाम और निवासी कहाँ के हैं और पैसा, आपको सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन देना है अपने परिचय में, ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन नहीं देना, 4-5 वर्डों में ही अपना इंट्रोडक्शन दे देना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नया है विद्यालय, जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उस विद्यालय की स्थापना कब हुई, उनके उसके प्राचार्य का नाम क्या है, है ना, तो प्राचार्य का नाम जैसे कि आपके हमारे चित्रगुप्त पीजी कॉलेज मैनपुरी के जो प्राचार्य हैं वर्तमान में शिखा सक्सेना जी हैं, उसको हम याद रखेंगे कि हमारे प्राचार्य का नाम क्या है। और इसके अगर डिफिकली पूछा जाए तो एग्जामिनर जो है आपके पूछ लेता है कि आपके विभाग अध्यक्ष कौन है, यानी जो डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो किन के संचालन में चल रहा है, तो उसको ही आपको पता रखना है ना कि किसके संचालन में है, उसके डायरेक्टर कौन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको विद्यालय के प्राचार्य का नाम तो आना ही आना चाहिए, है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो इस विषय के पढ़ाने वाले जो शिक्षक का नाम क्या है, वो एग्जामिनर पूछ लेगा कि आपने आपको इस विषय को किस शिक्षक ने पढ़ाया था, उसका नाम बताइए, है ना, तो आपको उसका नाम ही पता रखना है कि ये सब्जेक्ट जो है किस शिक्षक ने पढ़ाया था, जिससे क्या होता है कि एग्जामिनर पता करता है कि यह बच्चा रेगुलर पढ़ने वाला है और जो है कुछ आते हैं चले जाते हैं, तो इस हिसाब से एग्जामिनर पता कर लेता है कि ये रेगुलर क्लास लेने वाला है, तो उसके नंबर अच्छे मिलते हैं। नेक्स्ट और इस नेक्स्ट है चौथा प्रश्न है, इस विषय के पेपर का शीर्षक क्या है। अक्सर बच्चे जो है पेपर देने या प्रैक्टिकल देने चले जाते हैं लेकिन उनको शीर्षक पता नहीं रहता, लेकिन जब हम वाइवा देते हैं तो अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है कि इस पेपर का शीर्षक क्या है, है ना, जैसे आपकी जेनेटिक्स है तो जेनेटिक्स एक विषय का नाम हो गया लेकिन उसके शीर्षक कई होंगे, जैसे फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, है ना, और प्लांट ब्रीडिंग, है ना, और उसके बाद जो है क्रॉप एम्पावरमेंट, ये सभी अलग अलग टाइटल हो जाते हैं, और लेकिन विषय क्या है, विषय आपका सब्जेक्ट क्या है, जेनेटिक्स है, लेकिन उसके जो टाइटल हैं उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं, वो पर सेमेस्टर वाइज जो है डिफरेंट होते रहते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्या है, इस विषय को पढ़ाने के लिए आप किस किताब को पढ़ा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है कि आपने इस जो हमारा ये विषय है जिसके बारे में हम वाइवा ले रहे हैं या प्रैक्टिकल करा रहे हैं उसमें जो ये पेपर टाइटल है आपने कहाँ से अध्ययन किया, वो कौन सी बुक थी, तो उस बुक का नाम पता होना चाहिए, उस बुक का पहला नाम क्या है, जैसे कि आपकी जो है ये बुक है पादप जैव प्रौद्योगिकी, पेपर का टाइटल क्या है, पादप जैव प्रौद्योगिकी यानी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, तो इसकी जो है इसको नाम याद रखना है। दूसरा इसके लेखक क्या है यानी ऑथर क्या है, राइटर क्या है, डॉक्टर ओम कार सिंह, है ना, इस तरह से आपको याद रखना है। फिर किताब के बारे में आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो लेकिन आपको इसके बारे में एक किताब उस सब्जेक्ट के बारे में याद रखनी है, उसका नाम याद रखना, उसके ऑथर का नाम याद रखना, ठीक। और नेक्स्ट बात करें तो टाइटल की परिभाषा बताइए, जैसे कि मैंने अभी ये बुक उठाई थी पादप जैव प्रौद्योगिकी, ये एक टाइटल हो गया, इस टाइटल की डेफिनेशन दीजिए, है ना, डेफिनेशन कैसे देंगे कि इसका यूज किस में होता है, जैसे पादप जैव प्रौद्योगिकी प्लांट में बायोटेक्नोलॉजी तकनीक का उपयोग करके पादपों में
सुधार किया जाता है और उसको जो सुधरी हुई प्रजाति है वो किसानों में वितरण की जाती है। इस तरह से आप बता सकते हैं, इसका एप्लीकेशन ही बता देंगे वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, है ना। तो टाइटल की परिभाषा हो गई और इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उनके बारे में भी आप जो है डिटेल से जान लेंगे, उसके बाद जो है एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। और बात करें आपके इस सेमेस्टर में, अक्सर एग्जामिनर जो है कभी कभी बहुत सरल पेपर बनाने के लिए और बच्चे का जो फीडबैक जानने के लिए वो पूछ लेता है कि इस जो आपने जो आप इस सेमेस्टर में, मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में, तो फर्स्ट सेमेस्टर में कुल कितने पेपर हैं, है ना। मान लीजिए 12 हैं, 14 हैं, 13 हैं, जितने भी हैं, और आपको उसके नाम पता पर नाम बताइए और संख्या बताइए। तो अगर इतना आप बता देते हैं तो वो जो एग्जामिनर है आपको फुल मार्क्स देगा जितने भी होंगे, है ना, उसको कॉन्फिडेंस रहता है। बात करते हैं नेक्स्ट जो है आपको इस पेपर में कुछ आता है, कभी कभी क्या होता है जब बच्चे कुछ नहीं बता सकते तो वो एग्जामिनर कुछ नहीं कहता तो सिर्फ इतना ही कह देता है आपने अब तक क्या पढ़ा, है ना, आपको क्या आता है उसी के बारे में बताइए। तो आप किसी भी टॉपिक के बारे में जानते हों या किसी भी उस विषय से संबंधित किसी भी टॉपिक के बारे में जानते हों तो आप उठें और अपना हाथ उठाएं और कहें कि सर मुझे ये आता है और मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ, तो आप वह भी बता देंगे तो भी एग्जामिनर आपको पूरे पूरे मार्क्स देगा। तो इस तरह से ये तो कॉमन बातें हुई, हमारे जो है कुल 8 प्रश्न थे जिनके बारे में हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। आपको जो है जितने भी सेमेस्टर एग्जाम हैं उनके जो पेपर हैं उन पेपरों में जो है आपको इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। और उसके बाद जो है आप जो रिकॉर्ड बनाते हैं प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में इन बातों को पीछे नोट कर लें, है ना, नोट कर लें जिससे कि आपको याद रहे। दो हर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में नोट कर लेंगे तो ज़्यादातर जो है आपको याद ही हो जाएगा। याद करने का तरीका क्या होता है, आप पहले किसी चीज़ को पढ़ें नॉर्मल, याद ना करें, उसके बाद जो है पढ़ने के बाद उसे लिखें और लिखने के बाद फिर पढ़ें, तो 3 बार में जो आपको बिल्कुल याद हो जाता है और आप भूलेंगे नहीं। अगर आप एक हफ्ते बाद उसे फेर लेंगे या 1 महीने बाद उसको दोबारा से फेर लेंगे, याद कर लेंगे, तो वो बिल्कुल आपका 1 साल तक बना रहेगा। तो इस तरह से आप जो है इन महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको देख लीजिए, इनके प्रश्न को इनके उत्तरों को आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए, जिसको जो है आगामी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वाइवा हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना, ठीक है। तो जय हिंद। अगले जो है आप किसी के बारे में समस्या हो तो आप जो टॉपिक कमेंट करें उसके बारे में। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एग्री दोस्त विद मुरली।